तो दोस्तों सबको चल रही है भाई एंड्रॉइड 10 में क्या मिलेगा, एंड्रॉइड 10 में क्या मिलेगा। तो भैया लोग आ गया एंड्रॉइड 10 ना, आपके लिए खुशखबरी है कि A2 में भी अब मिलेगा एंड्रॉइड 10 का अपडेट। तो जैसा कि कंपनी ने रोल आउट कर दिया है, मतलब बता दिया कि अब जितने भी A2 के मोबाइल हैं सब में मिलेगा एंड्रॉइड 10 का अपडेट। अब आप उसे कैसे इंस्टॉल करोगे और कैसे आपको अपडेट मिलेगा और क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, मैं बताने वाला हूँ कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं पहले कि जो अपडेट है आप उसे अपडेट कर दोगे कि आपको क्या यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा और क्या क्या नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा मैं बता दूं कि मेरा एक दोस्त है जिसमें मैंने एंड्रॉयड 10 का अपडेट कर दिया है A2 में, और अभी तक मैं चला रहा हूँ नोकिया 6.1 प्लस, और उसमें भी मुझे एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल गया है और मैं भी उसे करीब एक डेढ़ हफ्ते से चला रहा हूँ। तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता दूंगा कि एंड्रॉयड 10 में आपको क्या यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा और क्या नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहला बात आता है कि क्या उसमें यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा दिखाव में कोई चीज़ नहीं मिलेगा, जैसे आपका जो सिंपली स्क्रीन है स्क्रीन वैसा ही रहेगा। जैसे आपने एंड्रॉयड 8.1 को अपडेट किया था 9 में, तो 9 के बाद आपका पूरी मोबाइल की स्क्रीन जो थी वो चेंज, मतलब पूरे जो यूजर इंटरफेस था वो पूरा चेंज हो गया था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सिंपली कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जैसे कि आपका जो वाईफाई है उसमें आपको एक QR स्कैनर मिल जाएगा, जिससे आप अपने दोस्तों के या किस कहीं भी अगर कोई स्कैनर है, QR स्कैनर है, वाईफाई का पासवर्ड है, तो उसे आप स्कैन करके अपने मोबाइल को कनेक्ट करा सकते हो। और दूसरी जो यूजर इंटरफेस मिलता है वो मिलता है आपको कि अगर आप अपना लोकेशन है उसे डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हो, और भैया अगर आप उसे मैनुअली चालू करके रखते हो तो, अगर आप उसे चालू करके नहीं रख सकते तो नहीं कर सकते। और तीसरी बात कि आपकी जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाँ, मैंने ये किया है कि जैसे मैं पहले उसे 6 घंटे चलाता था तो अब मैं उसे चला लेता हूँ 7 घंटे 8 घंटे, मतलब 1-2 घंटे का जो फर्क है वो बढ़ गया है। और तीसरी बात, आपकी जो मोबाइल चार्ज होती है वो थोड़ा सा फास्ट चार्ज हो जाएगी। और अगर हम बात करें और क्या दिखाव में मिलने वाला है, तो भाई दिखाव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, पर गूगल जो सिक्योरिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके मोबाइल को कोई चुरा नहीं सकता जल्दी। तो आज की ये दो थी उसकी अपडेट के बारे में कि अपडेट में आपको मुख्य चीज़ें अपडेट में क्या मिलने वाली हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये अपडेट आपको होगा कैसे, आप इसे अपडेट कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये अपडेट आपको मिलेगा, एक तो कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आएगा भैया आपका अपडेट आ गया है, आप इसे अपडेट कर लो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना हो जाएगा कि जैसे आप एक दो हफ्ते वेट कर लो, आपके मोबाइल में आ जाएगा और कुछ लोगों को मिल भी गया होगा। और अब बात करते हैं कि आप मैनुअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप मैनुअली OTA के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, OTA के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप मोबाइल को रूट करके, मोबाइल को स्विच ऑफ करके, मेमोरी कार्ड लगा करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो बस। तो आपके लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है कि कैसे OTA के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो, तो हमारी कमेंट में लिख करके बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि यह कैसे होगा।